नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार है। दरअसल अशोक परनामी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफे दिए जाने के बाद अब जोधपुर से सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी की कमान सौंपना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है। बीजेपी आलाकमान ने शेखावत पर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में फिर से सत्ता हासिल करने का दाव लगाया है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश नेताओं को अपने पक्ष में करने की होगी और इसमें अधिक समय लगेगा। बड़ी खबर में आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर मौजूदा सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या शेखावत चुनावी साल में प्रदेश बीजेपी और सरकार में सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को लेकर सस्पेंस। राजस्थान में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद की दौड़। संगठन स्तर पर शेखावत पर हो रही है चर्चा। गजेंद्र शेखावत के नाम पर अभी तक नहीं बनी सहमति। बीजेपी के बड़े नेताओं को अपने पक्ष में करना शेखावत के लिए चुनौती। पार्टी के बड़े राजपूत नेता भी शेखावत पर नहीं है सहमत। राजस्थान बीजेपी की कमान केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपना लगभग तय हो गया है। उसके पीछे एक बड़ा कारण शेखावत का नाम सीधे दिल्ली से तय होना बताया जा रहा है। हालांकि शेखावत की फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष पद पर ताजपोशी नहीं हुई है, लेकिन उनका नाम सामने आने के बाद से ही प्रदेश में अंदरूनी तौर पर सियासी उठापटक तेज हो गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत की यदि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद पर ताजपोशी होती है तो उसमें बड़ा रोल पार्टी शीर्ष नेतृत्व का ही होगा, क्योंकि प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री की ओर से जो प्रदेशाध्यक्ष पद पर नाम सुझाए गए हैं उनमें शेखावत का नाम शामिल नहीं था। ऐसे में शेखावत यदि प्रदेशाध्यक्ष बन भी गए तो उनके समक्ष सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश नेताओं को अपने पक्ष में करने की होगी और इसमें अधिक समय लगेगा, तो इसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को होना तय है। गजेंद्र सिंह शेखावत की ताजपोशी के बाद उनके सामने दूसरी बड़ी चुनौती राजपूत समाज से आने वाली है, जहां अन्य बड़े बीजेपी नेताओं को अपने पक्ष में करना होगा। हालांकि शेखावत का राजनीतिक अनुभव कम है और संगठन में बड़े पदों पर भी कभी उन्हें मौका नहीं मिला। तो समर्पित भाव से, ईमानदारी से, जाति पाति से दूर हटकर और लोगों में जोड़ने की भावना पैदा करे और अच्छा संगठक हो और लोगों में थोड़ा काम किया हो, थोड़ा लोगों का विश्वास हो, पॉपुलर हो, वो होना चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत का राजनीतिक जीवन क्या रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत का राजनीतिक जीवन 3 अक्टूबर 1967 को सीकर के महरोली गांव में जन्मे। स्कूल में शिक्षा के साथ ही छात्र राजनीति से जुड़े। गजेंद्र सिंह शेखावत संघ परिवार के करीबी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर संसदीय सीट से जीत की दर्ज। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता चंद्रेश कुमारी को लंबे अंतराल से हराया। जोधपुर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। टेक्नोलॉजी के साथ ग्रामीण भारत पर इनकी खासी पकड़।
हालांकि अभी तक प्रदेशाध्यक्ष के लिए शेखावत के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही संगठन का चेहरा बदलने की कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन इस बदलाव के साथ ही पार्टी में भीतर घात और गुटबाजी की सुगबुगाहट भी साफ नजर आ रही है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से पिंटू सिंह नरूका की रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में शेखावत का नाम लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा, जिस तरह से लगातार नाम चल रहा है, आधिकारिक घोषणा निकलकर सामने नहीं आई है। किसी बड़े नेता ने, बीजेपी के बड़े नेता ने इस तरह का बयान नहीं दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष होंगे शेखावत, लेकिन अंदर खाने से चर्चा निकल कर आई है। ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई पत्ता फेंक कर देखा गया हो, तो ये कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बरकरार है कि क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ही राजस्थान में बीजेपी का चेहरा होंगे, प्रदेश संगठन का चेहरा होंगे, या अभी गजेंद्र सिंह शेखावत संघ के करीबी माने जाते हैं, कृषि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। बावजूद इसके अभी ये बात आधिकारिक घोषणा होने से पहले सस्पेंस है। हमारे साथ इस समय बड़ी खबर मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर राकेश कुमार और पिंटू सिंह नरूका। राकेश, आप से जानते हैं कि किस तरह भी प्रतिक्रिया सस्पेंस बना हुआ है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम निकलकर सामने आया है, लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दे रहे हैं, बावजूद इसके अभी औपचारिक घोषणा कहीं दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आधिकारिक रूप से गजेंद्र सिंह की अभी घोषणा नहीं हो पाई है, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक वो अभी देश से बाहर है और कहीं ना कहीं शुक्रवार तक उनके लौटने की संभावना है। हालांकि संगठनात्मक रूप से सूत्रों की बात की जाए तो लगभग गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर सहमति बन चुकी है। चंद्रशेखर, सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो भी बीजेपी को लीड करेगा, संगठनात्मक रूप से जो भी अध्यक्ष पद पर आसीन होगा, कहीं के जातिगत समुदायों के गणित को देखते हुए पूरा खेल खेला जा रहा है। जाट समाज के बाद में ब्राह्मण समाज अपना एक वर्चस्व राजस्थान में सकता है, वही राजपूत समाज का भी अपना एक ओहदा है। राजपूत समाज चूंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पद्मावती वाला मामला हुआ, आनंदपाल वाला मामला हुआ, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से राजपूत समाज में बीजेपी को लेकर के नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी, और कहीं ना कहीं राजपूतों को साधने के लिए, क्योंकि सवर्ण कास्ट से अगर कोई बीजेपी के अध्यक्ष पद पर आसीन होता है तो कहीं ना कहीं सवर्ण कास्ट को पूरी तरह से बीजेपी साध सकती है, जिसमें ब्राह्मणों का भी अपना एक वर्चस्व है और राजपूतों का तो है ही। उसी बात जाट समुदाय की अगर बात की जाए तो सतीश पुनिया के अलावा बीजेपी के पास में और कोई चेहरा राजस्थान में अभी तक नहीं है जो कि निर्विवाद नेता के रूप में जाना जाता हो। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम या आधिकारिक औपचारिक घोषणा बाकी इसलिए भी है, सूत्रों की माने तो लगभग तय माना जा रहा है और संघ की पसंद के तौर पर भी देखे जा रहे हैं, लेकिन आज का घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो बीजेपी में जिस तरीके का माहौल आज देखने को मिला, कई बीजेपी के पुराने दिग्गज राजनेता जो राजपूत समाज से ताल्लुकात रखते हैं वो आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे, और कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ खिलाफत वाला जो माहौल था कहीं देखने को मिला। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, राकेश एक बात जानना चाहेंगे, आप बेहतर से समझते हैं, बहुत लंबे समय से बीजेपी को कवर करते रहे हैं और जो सियासी माहौल है उसको भी समझते हैं, आपको लगता है ये चुनाव महज दिल्ली से ही लड़ लिया जाएगा, इसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी नहीं रहेगी? अगर ये चुनाव दिल्ली से ही लड़ा जाता है तो गजेंद्र सिंह शेखावत ठीक नाम है, लेकिन अगर ये चुनाव राजस्थान की पृष्ठभूमि से लड़ा जाएगा, अगर राजस्थान की जमीनी हकीकत के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा, तब कहीं लगता नहीं है कि मुश्किल परेशानियां हैं संगठन के लिए? देखिए चंद्रशेखर, इसके इस पूरे तथ्य को जानने की थोड़ा पीछे जाने की भी आवश्यकता है। जिस तरीके से उपचुनाव में हार हुई थी, राजस्थान की राजनीति अपने आप में एक बहुत अच्छी और साफ सुथरी राजनीति के तौर पर जाने जाती है, और कहीं ना कहीं लोग काम को लेकर के, अपना विकास को लेकर के वोट देते हैं, लेकिन जिस तरीके से 4 सालों में बीजेपी के खुद उसके ही कार्यकर्ता और नेताओं की अनदेखी का आरोप लगा करके अपनी सरकार पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए, उसके बाद में कहीं ना कहीं केंद्र में जो बीजेपी के संगठनात्मक पदाधिकारी बैठे हैं उनको भी लगने लगा था कि राजस्थान में परिवर्तन की संभावना है और वो होना चाहिए, शिकायतें राजस्थान
राजस्थान से दिल्ली तक पहुंची भी सही, और उसके बाद में इनको बल तब मिला जब तीनों उपचुनाव यानी कि तकरीबन 17 विधानसभा सीटें हारने के बाद में जब ये मैसेज दिल्ली तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं 2018 का जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाला है, केंद्र के नेताओं को ये लगा कि शायद अगर थोड़ी सी भी ढील वहां पर दी जाती है तो ये चुनाव हम हार सकते हैं, और अगर 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव हारा जा रहा है तो कहीं 2019 पर जो केंद्र में मोदी सरकार के दोबारा आने के चांसेस देखे जा रहे हैं या ये एक प्रकार से मानकर बैठे हैं कि मोदी को दोबारा एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर आसीन होना होते हुए देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर राजस्थान बैकफुट पर जाता है, राजस्थान इनके हाथ से निकलता है तो बड़ा राज्य है और यहाँ से बहुत 25 के आसपास सीटें लोकसभा की सीटें निकलती है, कहीं ना कहीं उसका असर 2019 पर भी जाएगा। राजस्थान में फेरबदल अत्यंत आवश्यक था, राजस्थान में नहीं मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल ऐसे ही हालात थे, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हैंड टू हैंड राकेश सिंह जी को अध्यक्ष के तौर पर घोषित कर दिया गया, राजस्थान में उसका समीकरण थोड़ा उल्टा है। चंद्रशेखर, राजपूत समाज को भले ही साधने की कवायद के तहत गजेंद्र सिंह का नाम औपचारिक तौर पर फाइनल सा माना जा रहा है, लेकिन आज का जो घटनाक्रम बीजेपी में देखने को मिला, कई राजपूत नेता जो बीजेपी के पुराने नेता भी उनकी ही खिलाफत करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे, और सूत्रों की माने दिल्ली तक बात पहुंची है, दिल्ली तक मैसेज पहुंचा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के खुद राजपूत समाज के लोग भी एकजुट नहीं है, कहीं ना कहीं संघ के तौर पर पसंद हो सकते हैं, लेकिन संघ की पसंद क्यों गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं हो सकते। सतीश पुनिया का भी जाट नेता के तौर पर अपना कद है, बीजेपी नेता के तौर पर अपना कद है, वही अगर ब्राह्मण नेता की बात की जाए तो महज सिर्फ एक चेहरा है जो जिसकी जिसको लेकर के संघ की तरफ से हरी झंडी हो सकती है, जिसमें बाकायदा अरुण चतुर्वेदी का नाम है, लेकिन तमाम इश्यूज को लेकर के पीछे का बैकग्राउंड जानना भी आवश्यक है। 2017 में जिस तरीके से यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत उस टीम में शामिल थे जिस टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी, कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से अच्छा काम किया, ईमानदार और निर्विवाद नेता के तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए औपचारिक तौर पर फाइनल माना जा रहा है, लेकिन शुक्रवार को उनके विदेश से लौटने के बाद ही तय हो पाएगा। चंद्रशेखर, राकेश, एक बात है कि वसुंधरा ही राजस्थान में बीजेपी का सबसे ताकतवर चेहरा है और वसुंधरा ही राजस्थान में बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी है, इस बात को समझने में बीजेपी शायद थोड़ा ये बीजेपी ने एक पत्ता फेंका है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चलाकर देखते हैं, जिस तरह से नाम निकलकर सामने आता है एकदम, तो ये कहीं ना कहीं एक सियासी कोई समीकरण साधने की कोशिश तो नहीं है कि पहले उसका रुझान देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को लोग कितना पसंद करते हैं या क्या उनके बारे में एक समीकरण राजस्थान की पृष्ठभूमि में है। देखिए चंद्रशेखर, आप ये चीज तो तय मानिए, कहीं भी अगर भले आप राजस्थान की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, कहीं भी बात कीजिए, अगर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर किसी चेहरे को चुना जाना है तो कहीं के जातिगत समीकरण आज के राजनीतिक युग में देखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उस तरह आजकल कास्टिज्म को लेकर के जिस तरीके से वोटों का डाइवर्जन होता है, कास्टिज्म राजनीति में बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है, कहीं ना कहीं ये आज के दौर के लिए महत्वपूर्ण भी है। राजपूत समाज को इसलिए साधने की कवायद मानी जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से आनंदपाल और पद्मावती के माहौल के बाद में राजपूत समाज ने बाकायदा गवर्नमेंट के खिलाफ बयानबाजी की, गवर्नमेंट की खिलाफत भी खुले मुंह से की, तो कहीं ना कहीं ये जो तबका है बीजेपी से दूर जाता, जो कि परंपरागत वोट बैंक के तौर पर जाना जाता है बीजेपी के लिए, ये कहीं ना कहीं ये तबका दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तमाम मुद्दे हैं चंद्रशेखर, जाट समाज, ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज, जाट समाज सबसे ज्यादा तादाद में, लेकिन सतीश पूनिया को लेकर के अभी भी संघ की तरफ से हरी झंडी पूरी तरह नहीं मिल पाई है, क्योंकि आप इतना ही मानिए 2019 को लेकर के संघ ही तय करेगा। संघ भले ही प्रॉपर तरीके से राजनीति में नहीं आने की बात करता हो, लेकिन तमाम चीजों को संघ मुख्यालय से ही तय किया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, हमारे साथ पिंटू सिंह नरुका है, हमारे संवाददाता बीजेपी कवर करते हैं, मदन राठौर है। मदन राठौर जी, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। धन्यवाद साहब। मदन राठौर जी, नाम निकल कर आ रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत का, लेकिन औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, तो ये सस्पेंस क्या है, आप ही स्पष्ट कर सकते हैं? ये देखिए, हमारा आला कमान तय करता है और किस सिपाही को कहां किस मोर्चे पर भेजना है ये तो वही तय करेंगे। तो कोई भी आए, हमारे सिपाही है, इनका कहां उपयोग होना वो लेंगे उपयोग, किसी का भी नाम हो जाए तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मदन राठौर जी, सामूहिक निर्णय होता है। मदन राठौर जी, वो सिपाही सेनापति है अब राजस्थान में आने वाले चुनावों के लिए, तो भूमिकाएं बड़ी हैं। तो सिपाही से ही तो सेनापति बनता है, तो वो सेनापति की भूमिकाएं कितनी मजबूत रहेंगी? निश्चित रूप से सेनापति अपना दायित्व निर्वहन करता है और पूरी सेना को एकजुट अनुशासित तरीके से हर मोर्चे पर वो सफल हो और विजयी हो, इस प्रकार की कोशिश वो सेनापति करता है। लेकिन तो जो भी लेकिन बयान निकलकर जिस तरह सामने आ रहे हैं उस तरह ऐसा लगता है कि ये चेहरा दिल्ली का है और राजस्थान का चेहरा कोई और है। नहीं, ऐसा है, ये राजस्थान का ही है
कोई भी व्यक्ति हो राजस्थान का ही है और यहाँ से ही तो तैयार होकर के दिल्ली भेजा गया है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कोई ऐसा नहीं है आपको, क्या ऐसी अटकलें नहीं है कि कहीं ऐसा हो कि कोई विरोध या कोई किसी तरह का? ना ना ना, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। हमारे यहाँ तो जिसको भी जो मौका दिया जाए वो बखूबी निभाएगा, ईमानदारी से निभाएगा, पार्टी को चाक चौबंद करके व्यवस्थित करके और सफलता की ओर जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। कोई भी आए, जो सेनापति है उसका निर्देश हम सब पालन करें। हमारे साथ पिंटू सिंह नरुका है, बीजेपी कवर करते। पिंटू सिंह नरुका, आपने देखा है जिस तरह से दो दिन से सियासी घटनाक्रम चल रहा है, अब किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? क्या एक रुझान है ग्राउंड लेवल पर गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में? किस तरह बीजेपी का माहौल है? पिंटू सिंह, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? मदन राठौर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राजस्थान में, उस जिम्मेदारी को संगठन के कंधे पर ही लड़ना है, संगठन से ही मजबूत करना है, तो ये क्या संभव, कैसे हो पाएगा? निश्चित रूप से संगठन से ही सारा कुछ प्राप्त होता है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है जी, वो संगठन अनुशासित संगठन है और इसमें जो निर्देश दिए जाएंगे उसकी पालना सभी कार्यकर्ता मिलकर के करते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं, न पहले कभी आई थी न आगे कोई आने वाली। लेकिन बड़े बड़े नाम चल रहे थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम चल रहा था, अर्जुन राम मेघवाल का नाम चल रहा था, फिर एकदम नाम निकल कर आता है गजेंद्र सिंह शेखावत का। आपको लगता है तैयारी बेहतर है आपकी, आप फाइट कर पाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम से, संगठन को एकीकृत कर पाएंगे आप? देखिए, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ व्यक्ति का जहाँ उपयोग जिसका लिया जाता है उस हिसाब से लिया जाएगा। कोई भी आए, जो भी आएगा वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन करके आएगा और पूरी पार्टी उसके नेतृत्व में काम करेगी और मुख्यमंत्री जी के साथ तालमेल बिठा करके विजय की ओर हम सब अग्रसर होंगे। निश्चित रूप से हम इस चुनाव युद्ध के लिए तैयार हैं और पूरी सेना तैयारी के साथ में काम कर रही है। लेकिन वो चर्चा नहीं करते रहे, जब भी उन्होंने अपने कार्यक्रमों में जब जहां जहां भाग लिया वो राज्य सरकार के कार्यक्रमों को, राज्य सरकार के जो बड़े कार्यक्रम थे उनको अनदेखी करते रहे, ऐसा सुनने में आया? ऐसा संभव ही नहीं है। राज्य सरकार के काम काज है वही तो है, राजस्थान से ही तो जीत करके गए, कोई भी व्यक्ति होगा तो राज्य सरकार के साथ में तो समन्वय दिल्ली का है। हमारा तो यहाँ देखिए ब्लॉक लेवल से लेकर के पंचायत से लेकर के नगर पालिकाओं से लेकर के और दिल्ली तक हमारा शासन है, तो व्यवस्थाएं तो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि हम बीच में किसी कड़ी को छोड़ दें, ऐसा संभव ही नहीं है। जी, हमारे साथ मनीष पारिक मौजूद है, बीजेपी से नेता है। मनीष पारिक जी, आपका स्वागत है बड़ी खबर में। मनीष पारिक जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी जी। मनीष पारिक जी, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम निकलकर सामने आया है, दिल्ली जोधपुर से सांसद हैं, कृषि राज्य मंत्री हैं, लेकिन ये पसंद दिल्ली की बताए जाते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या स्पष्टीकरण है, किस तरह की भूमिका होगी, किस तरह से आपका सेनापति नई भूमिका में पूरे संगठन को एकीकृत कर पाएगा? बिल्कुल, बात ये है, मैं बताऊं जितेश की, ये पसंद तो राजस्थान की है, जोधपुर से चुनाव जीते हैं और पहले छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे उस समय 92 में, तो इतने सालों से सक्रिय है। हाइब्रिड कृषि इन्होंने की है, तो जो भी कोई आधुनिक संसाधनों से कृषि का विकास कैसे हो सकता है उसके विशेषज्ञ हैं, तो निश्चित तौर पर इसलिए मोदी जी के मंत्रिमंडल में स्थान पाया था। संगठन की जानकार इसलिए है कि इतने सालों से पहले छात्र नेता के नाते और बाद में नेता के नाते जो इन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रकल्प चलाए हैं और लोगों से जुड़े रहने का सिलसिला जारी रखा है, उसके तहत ये माना जा सकता है कि आप एक कुशल राज नेता हैं। अब यहाँ तक पसंद की बात है, मैंने आपको जैसे बताया कि जोधपुर की पसंद तो है ही फिलहाल, जहाँ पे इन्होंने वोट लेकर जीते हैं और मोदी जी के मंत्रिमंडल में स्थान पाया है, इसलिए मुझे लगता है। लेकिन जो हाइब्रिड कृषि के विशेषज्ञ जैसे ये है, इन्होंने आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कृषि में करने में पारंगतता पाई है और उसके नाते से कृषि मंत्रालय में कुछ जो नव प्रयोग निर्मी काम होते हैं, इनोवेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उन पर आप सीरियसली काम कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है देश की जरूरत
जहाँ पे थी वहाँ राजस्थान की जरूरत भी आप पूरी करेंगे। लेकिन लेकिन एक बात निकल कर आ रही है मनीष पारेक जी कि उनके पास संगठन में काम करने का अनुभव उतना नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं संदेह प्रकट किया जा रहा है, बीजेपी के लोग ही संदेह प्रकट कर रहे हैं। नहीं, बात तो मैं ये कहूंगा ये तो कोऑर्डिनेशन की बात ही रहती है, जैसे टीम तो वही है। अभी मदन जी ने भी कहा कि जो भाजपा की टीम है वो तो यथावत है, एक अध्यक्ष अगर बदलता है तो भी कोर कमेटी का सिलसिला भाजपा में चलता है जिसमें की प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, वो मिलकर फैसले करते हैं तो सहभागिता के हिसाब से काम होता है और सामूहिक नेतृत्व की प्रगाढ़ विशेषता भाजपा की है, उसके अनुसार काम होता है। जिले में कोर कमेटी बनी हुई है, ऐसे ही प्रदेश में बनी हुई है, ऐसे ही केंद्र में बनी हुई है, तो उसके लेकिन बात बात जिले की और स्टेट की कोर कमेटी की नहीं, बात यह है कि आपके सामने बड़ा लक्ष्य है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, राजस्थान में लगातार ये चला आ रहा है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको 17-18% के तकरीबन वोट मिलते हैं जब चुनाव लड़ने जाती है, तो ऐसे में आपको सेनापति बहुत ऐसा चाहिए जो संगठन को एकीकृत कर सके और जमीनी स्तर पर जो सत्ता ने काम किए उनको प्रभावशाली बना सके। जी, मैं कार्यकर्ताओं की जो बात है इन्वॉल्वमेंट की, वो मुझे लगता है गजेंद्र सिंह जी का जो ऊर्जावान आस्पेक्ट है उससे काम होगा। दूसरी बात ये कि ये जो बात एंटी इनकम्बेंसी की बीजेपी के साथ पहले हुआ करती थी, उसमें एक बात आप जरूर मानेंगे कि पहले हमारा जो जिला परिषद है या मान लीजिए आप उस समय पंचायतों में और सरपंचों के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी थी, अग्रणी नहीं थी। अभी हुआ है कि आपने देखा कि आधे से ज्यादा उसने कब्जा कर लिया है और 25 जिलों में भी हमारी तो जिला परिषद बन गई है, पहले ऐसा नहीं था। तो मुझे लगता है गांव-गांव में नीचे जाने के बाद में बूथ कमेटियां बनी है, पन्ना प्रमुख बने हैं, तो ये जो रचना है वो नीचे तक चली गई है। इस ऐसी दशा में कार्यकर्ताओं को एक मुखी होकर काम करने के अलावा ज्यादा कुछ करने को बचता नहीं, क्योंकि जो विकास कार्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो तो यथावत रही है। 18,000 किलोमीटर अगर सड़क बन गई है, अगर हर ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर की सीमेंट की सड़क बनी है जो पहली बार हुआ है आजादी के बाद से आज तक, इसी तरह से आरओ बनाए हैं, 6,000 आरओ लग गए हैं, जब आरओ का पानी मिल रहा है 6,000। यही काम प्रदेश अध्यक्ष को बताने होंगे। पिंटू सिंह नरुका हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी कवर करते हैं। पिंटू सिंह नरुका, किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है जब गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम निकल कर आया है? तो चंद्रशेखर, आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कल अशोक परनामी के इस्तीफे की खबर आई और उसके बाद में अचानक एक नाम जो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लगभग प्रदेशाध्यक्ष के लिए तय है, ये माना जा रहा है अभी तक। लेकिन हालांकि पार्टी की ओर से, हाईकमान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आया उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में अब एक बगावत और एक सुगुहट शुरू हुई है। विरोध की एक एंटी लॉबी है वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर जब प्रदेश भाजपा की ओर से हाईकमान को जो नाम सुझाए गए थे प्रदेशाध्यक्ष के लिए, उनमें कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम नहीं था। और जब यहां से प्रदेश भाजपा की ओर से जो एक सूची भेजी गई थी, एक लिस्ट भेजी गई थी कि ये संभावित चेहरे हैं जिनको आप प्रदेशाध्यक्ष बना सकते हैं, उनमें शेखावत का नाम नहीं था और ये नाम सीधा दिल्ली से आया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश भाजपा में एक एंटी लॉबी शेखावत के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। हालांकि इस प्रकार से कोई खुलकर बयानबाजी सामने नहीं आ रही, लेकिन सबसे बड़ी बात शेखावत के सामने ये रही है कि शेखावत जो है अनुभव कहीं ना कहीं शेखावत के पास कम है। वो पहली बार सांसद बने, उससे पहले छात्र संघ अध्यक्ष रहे, संगठन और सरकार में उनको इतना अनुभव नहीं है, संगठन में किसी प्रकार का उन्होंने काम नहीं किया है, तो अनुभव की कमी है उनके सामने। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो बीजेपी के बड़े नेता है वो उनको पार्टी में कैसे साधेंगे, बड़े नेताओं को साधने में कहीं ना कहीं उनके लिए सामने चुनौती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के राजपूत नेता है, क्योंकि राजपूत नेताओं का बीजेपी काफी वर्चस्व माना जाता है, चाहे वो विधायक हो चाहे संगठन में हो, तो बीजेपी के जो बड़े राजपूत नेता है वो भी यहाँ पर शेखावत को कहीं ना कहीं स्वीकार करते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो पूर्व मंत्री हो, 7 बार की विधायक है देवी सिंह भाटी, वो आज सुबह सुबह ही संगठन पिंटू सिंह एक बात जानना चाहते हैं, ये भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे की पसंद का चेहरा नहीं है। जी, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से एक नाम चल रहा था, नेतृत्व परिवर्तन की भी एक चर्चा ही चल रही थी, और उसके बाद में ये माना जाता था कि गजेंद्र सिंह शेखावत है वो दिल्ली के जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया कि शेखावत का यहाँ से नाम तक नहीं भेजा गया था, और वो नाम जो यहाँ से भेजा नहीं गया और उस नाम को प्रदेशाध्यक्ष के लिए घोषणा किया जाता है, तो साफ तौर पर एक एंटी लॉबी शुरू हो जाएगी और बीजेपी में बगावत और गुटबाजी साफ तौर पर निकल कर सामने आएगी, क्योंकि कल से ही जब शेखावत का नाम सामने आया था तो बीजेपी की
बड़े राजपूत नेता थे वो कहीं ना कहीं जो एक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सीएमआर भी पहुंचे थे, उन्होंने बात भी की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक साफ तौर पर ये गुटबाजी का दौर भी शुरू हो सकता है, बीजेपी में बगावत का भी दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में जो 180 का मिशन जो ये लेकर चल रहे हैं और ऐसे में बड़ा मिशन है पिंटू सिंह ये बड़ा मिशन है और ये चुनौती उनको देखनी होगी। मदन राठौर जी आपसे जानना चाहेंगे, ये सवाल निकल कर आ रहा है कि वसुंधरा राजे की पसंद का चेहरा नहीं है शेखावत। देखिए पूरी पार्टी का कोई भी सदस्य है वो वसुंधरा जी को पसंद है और वसुंधरा जी सबको पसंद है, इसलिए इसमें कोई बात ही नहीं मदन, है मदन राठौर जी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के वार रूम की पसंद का चेहरा है, लेकिन दिल्ली के वार रूम से चुनाव राजस्थान में लड़ना है विधानसभा का, तो ये संभव हो पाएगा? मैं एक बात बताऊं आपको चंद्रशेखर जी, यदि वसुंधरा जी का पसंद का नहीं होता तो वो सांसद भी नहीं बनते, बिना वसुंधरा जी की पसंद के लोकसभा का टिकट भी संभव नहीं है, वसुंधरा जी की राय से ही टिकट दिया गया, इसलिए ये बात गलत है। कोई ऐसा सोचता है तो मैं सोचता हूँ ये काल्पनिक है, कोई भी कल्पना में कुछ भी कर सकता है, इसलिए सब वसुंधरा जी की पसंद के ही है, वसुंधरा जी तो सबको पसंद करती है, वसुंधरा जी हर अनुशासित सिपाही को पसंद करती है, इसलिए ऐसी बात मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में फालतू आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डैमेज कंट्रोल करते रहे आप तो डैमेज कंट्रोल का बड़ा चेहरा है और आपके पास जिम्मेदारी रहती है कि कोई भी अगर डैमेज होता है तो उसको कंट्रोल करने में मदन राठौड़ की बड़ी भूमिका रहती है। मनीष पारिक जी आपसे जानना चाहेंगे, सवाल ये निकल कर आ रहा है कि वसुंधरा राजे की पसंद का चेहरा नहीं है शेखावत। तो जैसा आपने सही मदन जी ने बताई है बात, और जो मुखिया है उसको तो सभी पसंद है, बड़ी बात ये भी है कि जो सांसद है और भारी उससे जीते हैं, 25 के 25 सांसद राजस्थान में, 160 विधायक जीते हैं, तो निश्चित तौर पे क्यूमुलेटिव एस्पेक्ट होते हैं और वो सब वसुंधरा जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं समझता ये कोई पसंद नापसंद की बात है। हाँ ये जरूर है कि किसी नेता को कोई पसंद ना हो, मान लीजिए आपने जैसे नाम लिया, किसी को और पसंद हो सकता है, मुझे कोई और पसंद हो सकता है, मदन जी को कोई और, उनको अलग बात है, लेकिन ये लेकिन जो मुखिया है उसके लिए तो सभी बराबर है। ठीक जी, बड़ी खबर में आज बस इतना ही, सभी मेहमानों का धन्यवाद। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर, इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।